साउथ चाइना सी में चीन ने फिर दिखाई है जंगी ताकत। चाइनीज नेवी ने की साउथ चाइना सी में बड़ी ड्रिल। चीनी ड्रिल में फाइटर जेट कैरियर CV-17 को शामिल किया गया है। तो देखिए साउथ चाइना सी में किस तरह से बड़ी ड्रिल की जा रही है वो आपके सामने है, और इस तरह की वॉर ड्रिल की तस्वीरें इससे पहले भी ना जाने कितनी हमने देखी संजय सॉय साहब। लेकिन क्या अब बात आगे जाती हुई आपको नजर आ रही है? साउथ चाइना सी में वैसे भी चीन के दबदबे को अब कई बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। ऐसा है कि चीन, आप देखिए कि एक्सरसाइज तो वैसे भी करता रहा है, ताइवान के ऊपर हवाई अतिक्रमण करता रहा है। अभी 5 अगस्त के बाद से, जब से नैन्सी पॉलोसी की विजिट हुई है, उसके बाद से एक्सरसाइज पर एक्सरसाइज चलती जा रही है। उनकी तैयारी पूरी है और दुनिया में बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जहाँ पर एक्सरसाइज की तैयारी होती है और बाद में उस एक्सरसाइज को हमले में बदली कर दिया जाता है। तो आज की तारीख में अगर देखें तो चाइना का नेवी तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, उनकी थल सेना तैयार है। अब हमला करें या ना करें, या अगले साल करें, उससे अगले साल करें, कई बार ऐसे 2-3 साल तक करते रहते हैं। जो ताइवान सोचेगा ये तो हर साल की जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, अमेरिका भी सोचेगा, वो ढीले पड़ जाते हैं, तब एक बार अचानक हमला कर दिया जाता है। क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया, ये एक द्वीप है, आप इस एरिया और यहाँ पर नेवल एक्सरसाइजेस को ज्यादा बेटर समझा पाएंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिस तरीके के ये रेंज बढ़ाई जा रही है, मीडियन लाइन्स का अगर उल्लंघन किया जा रहा है और अपनी रेंज को, टारगेट रेंज को चाइना बढ़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है कई प्लान्स और कई स्ट्रेटजीज को लेकर खुलासा भी किया जा चुका है कि अगर चाइना को एक मौका दिया तो वो एक हफ्ते में कब्जा कर सकता है ताइवान पर। मैं इसे नहीं मानता हूं और इसको खारिज करता हूं कि कोई लड़ाई और कोई अटैक चाइना कर पाएगा। फिलहाल ये हालत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे हमें समझना चाहिए। इंडस्ट्री जो है, जो ताइवान की और उसका जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, ये दोनों वर्ल्ड के साथ उसके फेवर में जाते हैं और चाइना को भी उसके साथ उसकी इंडस्ट्री पे कब्जा करने का मौका मिलेगा और वो ईस्ट पैसिफिक में जा पाएगा। इस कारण से वो ताइवान पे कब्जा चाहता लेकिन है सर, और ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मूवमेंट पर ताइवान की नजर है। सॉरी टू बटन सर, लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है कि चीन से सैन्य तनातनी के बीच ही ताइवान का एक बड़ा फैसला भी हो रहा है, जहां 2023 के लिए ताइवान ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ा दिया है। क्योंकि खबर यह है कि ताइवानी रक्षा बजट अब 12.9% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही फाइटर जेट्स पर एक्स्ट्रा $108.3 अरब खर्च करा जाएगा ताइवान की तरफ से। तो ये बड़ी खबरें जहां लगातार सामने आ रही हैं, वहीं अब हालात को देखते हुए सरकार की तरफ से भी कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ताइवान पर चीन ने अब कनाडा को धमकी दी है, ताइवान पर किसी तरह का दखल मंजूर नहीं होगा, कनाडा का डेलीगेशन ताइवान आया तो अंजाम ठीक नहीं होगा, ताइवान पर हम पूरी ताकत से जवाब देंगे, वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करे कनाडा। तो देखिए अब ये धमकी एक बार फिर से चीन की ओर से दी गई है कनाडा को। लेकिन सिंह सर, धमकी तो अमेरिका को भी कई दी गई नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर, लेकिन वो दौरा उसके बावजूद हुआ। जापान का डेलीगेशन वो भी पहुंचा ताइवान में, जापान को भी धमकियां दी गई, ऐसी वैसी नहीं, जापान का सिर तोड़ डालने तक की धमकी दी गई, और अब देखिए कनाडा को भी धमकी दी जा रही है। क्या इन धमकियों का कोई असर होगा कनाडा पर? चीन से डरेगा? देखिए अब एक जो अंजलि जी बात को समझिए, ये एक पुश एंड पुल पॉलिसी है। हर कोई अपना एरिया को बढ़ाना चाहता है, पुश करना चाहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन चाइना का जो है एक तरह से जो उनकी लिमिटेशन एक्सपोज हो चुकी है जी। वो उसमें पूरा अमेरिका ने अपना पूरा संपूर्ण शक्ति लगा के वहाँ पे नैन्सी पेलोसी गया, उसका उनका डेलीगेशन आया, अब जापान के जा रहे हैं, तो एक अभी रास्ता खुल चुका है। अब चाइना की धमकियों का उतनी वैल्यू नहीं है अभी, और सबको समझ आ गया कि चाइना समय पूरे कोई, जैसे अभी आपको कैप्टन साहब ने बताया। सर ये समझाइए ना, कनाडा का ताइवान की मदद करना, ये क्या बताता है? चीन को क्या मैसेज देना चाहता है कनाडा? देखिए कनाडा का जो मदद करना है, इस समय बहुत सारे देश, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और कनाडा जैसे देश जरूर जाएंगे ताइवान के मदद, क्योंकि सब लोग जो हैं अपने सेमीकंडक्टर उसके लिए सब डिपेंडेंट है ताइवान पे। 68% वर्ल्ड का ट्रेड वहां से है, तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है उसमें, तो उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको चाहिए कि उस ताइवान को सेव करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। और देखिए रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, 6 महीने बीत चुके हैं, अभी और वक्त लग सकता है, ये जानकारियां सामने आ रही हैं। दूसरे वॉर फ्रंट की भी हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठा है चाइना।